Hello dear students, the topic for today's lecture is valves used in water pipelines. So first of all, let us understand what are valves. Valves are basically devices which regulates and controls the flow of a fluid by opening, closing or partially obstructing various passages. किसी भी फ्लूड का फ्लो किसी पर्टिकुलर पाइप में कंट्रोल किया जाता है वॉल्व्स के थ्रू, और ये वॉल्व्स टाइम टू टाइम ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं, पार्शियली ओपन होते हैं एंड वेरियस पैसेजेस को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं. Thus they control the flow of water in this way. Generally 5 different types of valves are used in water pipelines, which are as follows: gate valves, air valves, check valves, relief valves and scour valves. Now let us discuss them in detail. The first one is gate valve. These valves are used to regulate the flow of water through the pipes. जब भी हमें अपने सप्लाई सिस्टम में वाटर की सप्लाई को ओपन करना है या स्टॉप करना है, सो दैट इज़ डन बाय गेट वॉल्व्स. जनरली गेट वॉल्व्स हमारे इंटायर पाइपलाइन में 3 to 5 किलोमीटर की स्पेसिंग पे सिचुएटेड होते हैं, एंड जनरली हम इन्हें लोकेट करते हैं समिट पॉइंट्स में. समिट पॉइंट्स मीन्स टॉप मोस्ट पॉइंट्स. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज टॉप मोस्ट पॉइंट्स पर आपका जो प्रेशर होता है वो लो होता है, सो दैट इज़ वाई वहाँ पर आपका फ्लो को रेगुलेट कराने की ज़रूरत पड़ती है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्लुइस वॉल्व्स. Now let's discuss the second type of valve, which is air valves. Generally air valves को भी हम summit points पर situate करते हैं and on the both sides of the sluice valve. Gate valve के दोनों sides में हम air valve को install करते हैं. These are of two types. First one is air inlet valve and another one is air relief valves. Air inlet valve का काम होता है air को pipe के अंदर लाना. Basically क्या होता है, जब कभी pipeline में pressure बहुत एक particular value के below fall कर जाता है, तो उस टाइम पे हमारे एयर इनलेट वॉल्व ओपन होते हैं एंड एयर को पाइप में एंटर कराते हैं, सो दैट द प्रेशर राइजेस टू अ एप्रोप्रिएट वैल्यू. अनदर वन इज़ एयर रिलीफ वॉल्व. इसका क्या फंक्शन होता है, जब भी हमारे पाइप्स में टॉप मोस्ट पॉइंट्स में एयर एक्यूमुलेट हो जाती है, सो वाटर के फ्लो को एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है. तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो एयर रिलीफ वॉल्व को ओपन किया जाता है एंड इनके थ्रू एयर को बाहर निकाला जाता है पाइपलाइन से. सो दीज वर द एयर वॉल्व्स. The third one is check valve. The function of check valve is to prevent the flow of water in reverse direction. Means whenever हमें pipeline में ऐसा required रहता है कि water एक particular direction में ही flow हो and backward direction में ना flow हो, तो वहाँ पर हम check valve को install करते हैं. Generally they are installed on the delivery side of pumping set. ऐसा क्यों होता है? Because pumping set means हमने water एक particular source से pump किया, then हमने water supply on कर दिया. जैसे ही हम उस वाटर सप्लाई को स्टॉप करते हैं, तो जितना भी हमारा पम्प्ड वाटर है वो वापस हमारे सोर्स में ना चले जाए, उसके लिए हम इसे डिलीवरी साइड ऑफ पंपिंग सेट में इंस्टॉल करते हैं, सो दैट जो पम्प्ड वाटर है जैसे ही हमने सप्लाई क्लोज किया वो वापस सोर्स में ना चले जाए, हमें दोबारा पंपिंग ना करनी पड़े. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ चेक वॉल्व. मीन्स इट चेक्स द फ्लो ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. चेक करना मतलब प्रिवेंट करता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन रिटन वॉल्व और रिफ्लेक्स वॉल्व. Now let's discuss the fourth type of valve, which is the relief valve. Relief valve, as the name itself is suggesting, it is used to dissipate the excess pressure built up inside the pipe. जब pipeline के अंदर हमारा एक excess pressure built up हो जाता है जो कि pipeline को damage कर सकता है, so उस case में हम अपने pipelines में जगह जगह पर relief valves को install करते हैं, so that जैसे ही ये pressure एक particular value से ऊपर rise होगा, they will open up and dissipate this excess pressure. एक्सेस प्रेशर हमारा वाटर हैमर के केस में होता है. दिस वील डिस्कस इन द फर्दर टॉपिक्स. एंड रिलीफ वॉल्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेफ्टी वॉल्व और कट ऑफ वॉल्व. द लास्ट वॉल्व इज स्कॉर वॉल्व. इट्स फंक्शन इज टू एम्प्टी द पाइपलाइन आफ्टर क्लोजिंग द सप्लाई इन केस ऑफ रिपेयर एंड इंस्पेक्शन. जनरली वॉट हैपन्स वेन एवर वी हैव टू रिपेयर द पाइपलाइन और वी हैव टू इंस्पेक्ट इट, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका वाटर सप्लाई हम क्लोज कर देते हैं उस टाइम पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए. बट वॉट हैपन्स आफ्टर क्लोजिंग द सप्लाई ऑल्सो देर इज सम अमाउंट ऑफ वाटर विच इज स्टिल प्रेजेंट इन द पाइपलाइन, राइट? सो उस वाटर को हम एम्प्टी करने के लिए वी यूज स्कॉर वॉल्व्स. जनरली स्कॉर वॉल्व्स को हम पाइपलाइंस के बॉटम मोस्ट पॉइंट्स, लोअर मोस्ट पॉइंट्स पे सिचुएट करते हैं, सो दैट जितना भी पानी उस पाइपलाइन में प्रेजेंट है आफ्टर क्लोजिंग द सप्लाई, इट ड्रेन्स आउट इजीली अंडर ग्रेविटी, राइट? सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ स्कॉर वॉल्व. मींस जब भी हमें पाइपलाइन का इंस्पेक्शन करना है, उस पाइपलाइन को एम्प्टी करने के लिए वील ओपन अप द स्कॉर वॉल्व्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रेन वॉल्व और ब्लो ऑफ वॉल्व. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक वॉल्व्स इन पाइपलाइंस. होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू. थैंक यू.